सर क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? ऑर्गन मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और दो तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई, उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है? कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शंस? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में पिछले 12 दिनों से जमीन के भीतर फंसे 41 कामगारों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही रेस्क्यू टीम खुदाई का काम पूरा कर लेगी और उन तक पहुंचने वाली 800 mm ह्यूम पाइप्स को उन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद इसी पाइप के जरिए उन्हें क्षतिग्रस्त हुई सुरंग के भीतर से बाहर खींचा जाएगा, लेकिन इससे पहले तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। घटना स्थल के पास एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद उन्हें फौरन मेडिकल एड उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए कुछ अस्पतालों में भी उनकी जाँच और जरूरत पड़ने पर भर्ती करने का इंतजाम किया गया है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल ने बताया कि इस ऑपरेशन में कुछ बाधाएं आई थी लेकिन उसे क्लियर कर लिया गया है। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? ऑर्गन मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और दो तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई, उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है? कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शंस? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है, तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे।